डिजिटल विजुअल इंटरफेस यानी कि DVI हॉराइजन टेक फॉर UK। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डिजिटल विजुअल इंटरफेस के बारे में यानी कि DVI के बारे में। तो डिस्प्ले सीरीज का ये सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको DVI और उसके डिफरेंट वर्जन्स की जानकारी दूंगा। ये सब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो स्टिक अराउंड गाइस, वी गोना हैव ग्रेट फन अहेड। हेलो यूट्यूबर्स एंड टेक लवर्स, आप देख क्षितिज कुमार अगेन हियर फ्रॉम हॉराइजन टेक फॉर यू। और हॉराइजन टेक फॉर यू के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डिजिटल विजुअल इंटरफेस के बारे में यानी कि DVI। सीन दैट, देखा होगा, ये है DVI। तो ये हमारी इस सीरीज़ का, डिस्प्ले इंटरफेसेस की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है पिछले हफ्ते से, सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, सेकंड। पहले वीडियो में क्लिक हियर नहीं देखा है तो उसमें मैंने समझाया था VGA के बारे में। सबसे पहला इंटरफेस डिस्प्ले सीरीज़ का, सबसे पहला, सबसे पुराना ओल्ड स्कूल इंटरफेस है जो आपने देखा होगा इसको डेफिनेटली, उसको समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को सही से देखिए और उसको देखोगे तभी इसको समझने में आसानी रहेगी। ये सही से समझ में आ जाएगा और इसका जो एडवांटेजेस है वो सही से समझ में आएंगे। इसके डिसएडवांटेजेस को अगर सही से स्टडी करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन दिस टू। ये दोनों एक दूसरे के जैसे लगते हैं देखने में ओवरऑल बाहर से, बाकी तो बहुत फ़र्क है अगर आप इन डेप्थ जाके देखो तो। लेकिन एक नॉर्मल यूज़र को शायद ये सेम लग सकते हैं क्योंकि ये लॉकिंग मैकेनिज्म दोनों में सेम है, कनेक्टर भी ऑलमोस्ट सेम लगता है, थोड़ा सा ये चौड़ा है तो इसमें कन्फ्यूज मत होइए। ये है VGA, उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे ओल्ड स्कूल स्टैंडर्ड है, 1987 में रिलीज़ हुआ था, 30 साल हो चुके हैं। एनालॉग सिग्नल कैरी करता है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका, ठीक है। तो ये एनालॉग इंटरफेस है, एनालॉग सिग्नल कैरी करता है। नहीं पता है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल, देन क्लिक हियर। ये वीडियो देखोगे तभी ये जितने भी इंटरफेसेस हैं इन फ्यूचर भी जो सीरीज़ में है, क्यू में है, जितने भी वीडियोज़ HDMI डिस्प्ले पोर्ट थंडरबोल्ट सारे के सारे, तभी सही से समझ में आएंगे जब एनालॉग और डिजिटल सिग्नल सही से समझ में आएगा। सो नहीं पता है आपको एनालॉग सिग्नल में क्या फ़र्क पड़ता है और डिजिटल सिग्नल क्या होता है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है दोनों में, कैसे सिग्नल कैरी होता है, कैसे इफेक्ट होता है जो आउटसाइड इंटरफेरेंस होता है उससे, तो इस वीडियो को सही से देख लीजिए ताकि ये सारे के सारे, इस वीडियो आपको सही से एक्यूरेटली समझ में आ जाए। तो ये जो है इसके नाम से तो आपको पता चल ही गया होगा कि डिजिटल विजुअल इंटरफेस यानी कि डिजिटल इंटरफेस है, डिजिटल सिग्नल कैरी करता है। तो जैसे मैंने कहा था, इसमें एनालॉग सिग्नल होने की वजह से जो क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, सिग्नल डिग्रेड हो जाता है विद द लेंथ ऑफ द वायर, वायर का रेजिस्टेंस और भी जितने भी सारे फैक्टर्स मैंने वहाँ पे बताए थे, उस वीडियो को देखोगे तभी मैंने कहा था, उस वीडियो को देखिए अगर इसको सही से समझना है। इसके जो सारे ड्रॉबैक्स थे इसमें नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो थे एटलीस्ट ये वो तो नहीं है जो इसमें थे, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें जो कमियां थी उन सबको दूर करके 1999 में ये इंटरफेस, ये कनेक्टर लॉन्च किया गया जिसका नाम है DVI, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। अब डिजिटल है, दैट डजंट मीन कि इसमें एनालॉग सिग्नल नहीं होता, इसके बहुत सारे वर्जन हैं, ठीक है, इसकी तरह नहीं, इसमें सिर्फ एक ही वर्जन है, ये एनालॉग इंटरफेस है, सिंगल वर्जन है। लेकिन इसमें DVI में बहुत सारे अलग अलग वर्जन हैं जो मैं अभी आपको समझाऊंगा और उसके हिसाब से ये जो फिजिकल पिन काउंट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, अलग अलग वर्जन में अलग अलग पिन्स होती हैं, ठीक है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पिन काउंट्स है इसका वो है 29 पिन यानी कि 5 + 24। तो ये जो लेफ्ट साइड की जो 5 होती हैं उसमें से 4 जो बीच वाली जो चौड़ी होती है उसको नहीं, ऊपर की 2 नीचे की 2 वो होती है एनालॉग सिग्नल के लिए, यानी कि ये इंटरफेस बहुत अच्छा है, बैकवर्ड्स कंपैटिबल भी है। सिर्फ उसका नाम जैसे है डिजिटल विजुअल इंटरफेस, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ डिजिटल सिग्नल कैरी करता है। ऑफ कोर्स इसका जो वर्जन है DVI-D सिर्फ डिजिटल सिग्नल कैरी करता है, लेकिन उसके अलावा जो 2 वर्जन है वो एनालॉग सिग्नल भी कैरी करते हैं इसके साथ, यानी कि बैकवर्ड्स कंपैटिबल है इसके साथ। तो आपके मॉनिटर पे सिर्फ यही अवेलेबल है, यही इंटरफेस अवेलेबल है, इसका जो फीमेल कनेक्टर है, ठीक है, वही अवेलेबल है। और आपके मदरबोर्ड पे या ग्राफिक्स कार्ड पे सिर्फ यही अवेलेबल है, इसका जो फीमेल कनेक्टर,
तो दैट डजंट मीन कि ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो सकता, आप अपने मॉनिटर को वहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास ऐसा कोई अडेप्टर है उसकी मदद से भी आप उन दोनों में भी कनेक्टिविटी ले सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड है, डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेस है, फिर भी ये बैकवर्ड्स कंपेटेबल है VGA के साथ, इसीलिए आप उसमें कनेक्टिविटी ले सकते हो। और ये जो लेफ्ट साइड की जो चार पिन होती हैं, जैसे पाँच में से जो बीच वाली नहीं, ऊपर वाली दो नीचे वाली दो, स्क्रीन पर भी अगर दिख रहा होगा, मैं फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, उसमें ये जो चार पिन है वो एनालॉग सिग्नल के लिए है। यानी कि ये इंटरफेस अपने साथ साथ डिजिटल सिग्नल के साथ साथ एनालॉग सिग्नल भी कैरी करता है, और ये बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी को ध्यान में रख के ही डिज़ाइन किया गया है, यानी कि VGA वालों को भी तकलीफ ना हो। तो ये जो इंटरफेस है उसका नाम है डिजिटल विजुअल इंटरफेस, 1999 में रिलीज हुआ था। और अब इसमें जो एक चीज़ है ध्यान रखने वाली, इसके दो वर्जन है, मेन दो वर्जन है, यानी कि सिंगल लिंक और ड्यूअल लिंक। सिंगल लिंक में और ड्यूअल लिंक में क्या फ़र्क पड़ता है मैं समझाता हूँ। सिंगल लिंक है उसका जो मैक्सिमम डेटा रेट है, बिट रेट है, डेटा ट्रांसफ़र रेट, बैंडविथ है जो, वो है 3.96 गीगा बिट्स पर सेकंड। यानी कि अगर सिंगल लिंक है तो ये जो केबल है वो ड्यूअल लिंक है। आप इसकी जो मोटाई है केबल की उससे कह सकते हो कि ये ड्यूअल लिंक है, यानी कि यहाँ पर जितने पिन्स हैं, जितनी फिज़िकल पिन्स हैं, वो यहाँ से यहाँ पे उसके पिन के साथ जितने भी वायर्स कनेक्टेड हैं वो कनेक्ट होके दूसरे एंड पे भी होंगे, ठीक है। तो जो सिंगल लिंक होता है वो इससे थोड़ा सा पतला होता है वायर, ठीक है। अगर आपके पास सिंगल, अभी मेरे पास सिंगल लिंक अवेलेबल नहीं है फिज़िकली, वरना मैं आपको शो करता, लेकिन इससे थोड़ा सा पतला होता है क्योंकि उसमें जो फिज़िकल नंबर ऑफ पिन्स होती हैं वो कम होती हैं, तो वो जो फिज़िकल पिन कम है इस वजह से वो जो उसकी बैंडविड्थ है वो भी कम हो जाएगी। ड्यूअल लिंक है तो उसकी ज़्यादा होगी, अभी मैं समझाता हूँ ड्यूअल लिंक क्या है। लेकिन जो सिंगल लिंक है उसमें जो फिज़िकल नंबर ऑफ पिन्स होंगी उसके अलग अलग वर्जन के हिसाब से, यानी कि DVI, DIA, ये सारे मैं समझाता हूँ अभी, उसमें भी सिंगल लिंक ड्यूअल लिंक होता है। तो सिंगल लिंक में जो नंबर ऑफ रिजोल्यूशन आपको मिलेगा, मैक्सिमम रिजोल्यूशन मिलेगा, वो होगा 1920x1200। कौन सा एस्पेक्ट रेशियो है? 16:10, और वो भी 60 Hz की फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिजोल्यूशन, एस्पेक्ट रेशियो ये सब पता नहीं है, पिक्सेल्स, ये स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन, वॉच दिस वीडियो, उसको देखिए, तभी ये सारी चीज़ें सही से समझ में आएगी। और अगर डेटा रेट और बिट रेट भी पता नहीं है तो वो भी देखिए, हमारे चैनल पे सारे वीडियोस मैंने इसीलिए पहले बनाए थे वो, ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं मैं जब समझाऊं आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, एक्यूरेटली समझ में आ जाए, ठीक है। आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, उसको देखिए और इसको फिर अच्छे से समझिए, वो समझ में आएगा तो ही ये समझ में आएगा। तो जो सिंगल लिंक है DVI का, वो जो मैक्सिमम बैंडविड्थ सपोर्ट करता है वो है 3.96 गीगाबिट्स पर सेकंड। अगर आप बाइट में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, एंड डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन बिट्स एंड बाइट्स। अगर वो भी नहीं समझ में आता है तो चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है, कंप्यूटर डेटा यूनिट्स दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जो भी लैंग्वेज आपकी प्रेफरेबल है उसमें देखिए और इन सब चीज़ों को एक्यूरेटली समझिए, ठीक है। मेरा इंटेंशन, प्राइम इंटेंशन यही रहता है जब मैं आपको कोई भी चीज़ समझाता हूँ कि आप उसे एक्यूरेटली समझे, जितना मैं अच्छे से समझता हूँ या मुझे उस चीज़ की जितनी अच्छी समझ है उतना ही नॉलेज मैं आपकी तरफ ट्रांसफ़र करूँ। इसीलिए ये वीडियोज़ भी मैं बीच बीच में रेकमेंड कर रहा हूँ, उन सबको देखना बहुत ज़रूरी है। सिंगल लिंक है उसका जो मैक्सिमम बैंडविड्थ सपोर्टेड है वो है 3.96 गीगाबिट्स पर सेकंड, यानी कि इतनी ही बैंडविड्थ उस सिंगल लिंक के केबल में, उस सिंगल लिंक के इंटरफेस पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो जो मैक्सिमम रिजोल्यूशन मिलेगा सिंगल लिंक में आपको, वो होगा 1920x1200। अब रिजोल्यूशन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिजोल्यूशन 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो में नहीं है, 16:10 के एस्पेक्ट रेशियो में है, क्योंकि इससे पुराना जो स्टैंडर्ड था वो तो 4:3 के एस्पेक्ट रेशियो पे चलता था, ठीक है, VGA। लेकिन यहाँ पे इम्प्रूव किया गया स्टैंडर्ड, तो रिजोल्यूशन भी इम्प्रूव हुआ, एस्पेक्ट रेशियो भी इम्प्रूव हुआ, 16:10 हो गया, ठीक है। तो ये जो रिजोल्यूशन है वो आपको कहीं ना कहीं फुल HD जैसा लग रहा होगा, लेकिन फुल HD है वो 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो में है, 1920x1080, ये है 1920x1200, तो 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो है। और मैक्सिमम जो फ्रेम रेट्स आपको मिलेंगे इस स्टैंडर्ड में, DVI में, पूरे DVI में, वो है 60 Hz इस रिजोल्यूशन पे, ठीक है। तो आपने डेटा रेट और बिट रेट अभी भी नहीं देखा है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि उसे देखिए, तभी ये जो सारे नंबर्स हैं कैलकुलेशन समझ में आएंगी। तो कई जगहों पर आप पढ़ोगे, जब मैं खुद भी स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा था DVI में फ्रेम रेट्स कहीं पे ज़्यादा दिखाए जाते हैं, मैक्सिमम तो कहा जाता है 60 फ्रेम पर सेकंड, लेकिन कुछ जगह पे जो रिजोल्यूशन है वो ज़्यादा दिखाया जाता है, कुछ जगह पे जो ये फ्रेम रेट है वो ज़्यादा दिखाए जाते हैं। तो ये कैसे होता है, जो इसकी
इसकी जो बैंडविथ है वो तो सब फिक्स है, बिल्कुल फिक्स, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। अब आपको पता होगा ये बैंडविथ कैसे कैलकुलेट होती है, ये जो डेटा रेट है, बिट रेट कैसे कैलकुलेट होता है। तो रेजोल्यूशन इनटू फ्रेम रेट्स इज इक्वल टू बैंडविथ, ठीक है। तो बैंडविथ तो फिक्स है, वो तो फिक्स ही रहेगी। अब नॉर्मल मैथ है, आपको आपने भी पढ़ा होगा, यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो अगर फिक्स रखना है तो इन दोनों में से कुछ भी चेंज करते हो तो दूसरा जो है वो कम हो जाएगा। यानी रिजोल्यूशन बढ़ाते हो तो फ्रेम रेट्स कम हो जाएंगे, और फ्रेम रेट्स बढ़ाते हो अगर आप गेमर हो स्पेशली तो गेम्स में ज़्यादा फ्रेम रेट्स की ज़रूरत होती है, वरना एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए तो 60 फ्रेम्स पर सेकंड मोर देन इनफ है। तो जब ये बढ़ाना होता है, यानी कि रिजोल्यूशन बढ़ाना है, तो आपको फ्रेम रेट्स कम करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि DVI सिर्फ मैक्सिमम रिजोल्यूशन इतना ही सपोर्ट करता है, DVI में 4K भी, आप 4K रिजोल्यूशन भी DVI पे चला सकते हो, DVI इंटरफेस की मदद से 4K मॉनिटर भी अगर कनेक्ट कर सकते हो अगर वहाँ पे कनेक्टिविटी अवेलेबल है तो। लेकिन वहाँ पे फ्रेम ड्रॉप हो जाएंगे, यानी कि रिजोल्यूशन बढ़ाओगे तो फ्रेम काउंट कम हो जाएगा, और अगर आपको फ्रेम काउंट बढ़ाना है तो आपको रिजोल्यूशन कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो उसकी बैंडविथ है सिंगल लिंक की वो लिमिटेड है। अब बात करते हैं ड्यूअल लिंक की। ड्यूअल लिंक जो होगा उसमें मैंने जैसे कहा नंबर ऑफ पिन्स ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे भी केबल भी मोटा होगा क्योंकि उस पिन से कनेक्टेड होंगे सारे के सारे केबल वायर्स, ठीक है। तो वो जो मैक्सिमम बैंडविड्थ सपोर्ट करता है वो है 7.92 गीगाबिट्स पर सेकंड। अब बाइट में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और उसमें जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन आपको मिलेगा वो होगा 2560x1600, वो भी 16:10 के एस्पेक्ट रेशियो में। तो दोनों रेजोल्यूशन है, जो दोनों मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वो 16:10 के एस्पेक्ट रेशियो में है, और डेफिनेटली अगर आप 16:9 करते हैं तो फिर वो जो वर्टिकल नंबर काउंट है वो कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है, इससे ज़्यादा नहीं सपोर्ट कर सकता 2560x1600 at 60Hz। अब रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं तो वहाँ पे फ्रेम रेट कम हो जाएंगे, फ्रेम रेट बढ़ाते हैं तो रेजोल्यूशन कम हो जाएगा। उसकी जो बैंडविड्थ है वो फिक्स है 7.92 ड्यूअल लिंक की, सिंगल लिंक की 3.96 गीगाबिट्स पर सेकंड, ड्यूअल लिंक की 7.92 गीगाबिट्स पर सेकंड, ठीक है। ये चीज़ क्लियर कर लीजिए तभी इसके जो सारे वर्जन्स हैं अभी मैं जो समझाऊंगा DVI, IA, D सारे के सारे अच्छे से समझ में आएंगे। इसलिए मैंने पहले सिंगल लिंक ड्यूअल लिंक में क्या फ़र्क होता है, रिजोल्यूशन मैक्सिमम फ्रेम रेट समझा दिया। अब बात करते हैं उसके सबसे पहले वर्जन की, यानी कि DVI-A एनालॉग ओनली, ए फॉर एनालॉग, ठीक है। तो ये जो वर्जन है DVI का उसमें सिर्फ एनालॉग सिग्नल कैरी होता है, और उसमें फर्दर ये जो दो हैं वो डिवाइड नहीं होते, यानी कि इसके जो दूसरे वर्जन है DVI-D और DVI-I उसमें तो फर्दर दो डिवाइड होते हैं, सिंगल लिंक और ड्यूअल लिंक, यानी कि DVI-D का भी सिंगल लिंक, DVI-D का भी ड्यूअल लिंक, और DVI-I का भी सिंगल लिंक और DVI-I का भी ड्यूअल लिंक। लेकिन DVI-A में यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्जन है, यानी कि सिंगल लिंक, DVI-A सिंगल लिंक, ड्यूअल लिंक की वहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि DVI-A है वो एनालॉग सिग्नल कैरी करता है, एनालॉग में इतने ज़्यादा रिजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आपने वो भी स्टडी किया होगा VGA, तो उसमें जो मैक्सिमम रिजोल्यूशन मिलता था वो भी इसके आसपास ही था कहीं ना कहीं। तो DVI-A में एनालॉग सिग्नल है, उसी वजह से सिर्फ सिंगल लिंक ही अवेलेबल है। तो उसमें जो मैक्सिमम रिजोल्यूशन आपको मिलेगा सिंगल लिंक का रिजोल्यूशन, अभी मैंने बताया 1920x1200 at 60Hz DVI-A में। और जो नंबर ऑफ फिजिकल पिंस होंगे उसमें, उस कनेक्टर को आपको आइडेंटिफाई अगर करना है कि वो कौन सा है, तो आप उसकी पिन काउंट से ही कर सकते हो, सारे के सारे जितने भी हैं। बाहर से देखने में तो चाहे DVI-I है, A है, D है, ऐसा ही लगेगा, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है तो ये जो नंबर ऑफ फिजिकल पिंस हैं उससे ही आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसमें होंगी 17 पिंस, 17 पिन होंगी DVI-A में सिंगल लिंक में, ड्यूअल लिंक तो है ही नहीं उसमें, ठीक है। तो ये होगी DVI-A की बात। उसका जो दूसरा वर्जन है वो है DVI-D, डिजिटल ओनली, वो एनालॉग था DVI-A, ठीक है, ये डी है DVI-D डिजिटल, इसमें सिर्फ डिजिटल सिग्नल होता है। तो ये जो लेफ्ट में जो मैंने बताई थी 5 पिन्स होती हैं, उसमें से जो 4 ऊपर की 2 नीचे की 2 एनालॉग सिग्नल के लिए, ये कोई भी यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये डिजिटल सिग्नल है। और इस ये अगर इंटरफेस आपके पास है और वहाँ पे अगर आपने अडेप्टर कनेक्ट किया जैसे मैंने बताया VGA करने के लिए, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिजिटल सिग्नल ही आता है इस इंटरफेस में, इस वर्जन में एनालॉग सिग्नल नहीं होता, एनालॉग होता है डिजिटल DVI-A में, ठीक है। वहाँ पे वो जो 4 पिन होती है वो होती है, लेकिन इसमें नहीं होती। तो ये जो वर्जन है वो सिर्फ डिजिटल ओनली है, इसमें 2 फर्दर मैंने जैसे कहा सिंगल लिंक, ड्यूअल लिंक, सिंगल लिंक का रिजोल्यूशन मैंने बता दिया है ऑलरेडी, ड्यूअल लिंक पर, ड्यूअल लिंक का भी 60Hz पे। तो जो नंबर ऑफ फिजिकल पिन काउंट्स है उससे से ही ये डिफरेंशिएट होता है कि ये DVI-D का भी कौन सा वर्जन है, यानी कि सिंगल लिंक है या ड्यूअल लिंक है। तो DVI-D का जो सिंगल लिंक होगा उसमें होगी 19 पिन्स और ड्यूअल लिंक में 25 पिन्स, ठीक है। लेफ्ट साइड की कोई भी पिन नहीं होगी, जो 5 पिन थी उसमें से जो 4 लेफ्ट वाली बीच वाली तो होगी जो मिडल में है
चौड़ी पिन एक, ठीक है वो तो होगी, लेकिन ऊपर की तो नीचे की तो नहीं होगी ये चार पिन, क्योंकि वहाँ पे एनालॉग सपोर्टेड नहीं है डिजिटल DVI D में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो बेस्ट है, बेस्ट फॉर ऑल्स, ठीक है, वो है DVI I इंटीग्रेटेड। इसमें दोनों का समावेश होता है, एनालॉग भी होता है और डिजिटल भी होता है, बोथ, दोनों जो वर्ल्ड्स हैं डिजिटल एनालॉग उनका दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये सबसे पॉपुलर है ये जो वर्जन है, और बहुत सारी जगहों पर आपको देखने को मिलेगा, और इवन स्पेशली ग्राफिक्स कार्ड्स पे आपने देखा होगा, आपके पास कोई हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड है उस पर दो DVI वो होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही इतने सारे पिन काउंट्स और अलग अलग वर्जन उसके भी फर्दर सिंगल लिंक ड्यूअल लिंक उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जो नॉर्मल कंज्यूमर होता है वो आर्ग्यू करता है, क्वेश्चन करता है कि इसमें फ़र्क क्या पड़ता है, जो मैं अभी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उसमें दो वर्जन अवेलेबल होते हैं DVI के भी, दो पॉट्स होते हैं फिजिकल, ठीक है। तो वहाँ पे एक जो होगा वो DVI I होगा और एक होगा DVI D होगा, ठीक है। तो आपको अगर इंटर कंपैटिबिलिटी चाहिए यानी कि VGA के साथ कनेक्ट करना है या पुराना जो वर्जन है उसके साथ कहीं ना कहीं अडाप्टर लगाना है, तो आपको DVI I ही यूज़ करना पड़ेगा। आप DVI D पे लगाओगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एनालॉग सिग्नल नहीं होता, एनालॉग सिग्नल सिर्फ DVI A में होता है और DVI I में होता है, DVI D में नहीं होता, DVI D में सिर्फ डिजिटल सिग्नल ही होता है। तो जो DVI I है वो बेस्ट है दोनों के लिए, क्योंकि उसमें डिजिटल एनालॉग दोनों होते हैं। तो उसमें जो फिजिकल पिन काउंट्स हैं उसी से ही उसको आइडेंटिफाई होता है, उसके भी फर्दर दो डिवाइड होते हैं जैसे मैंने कहा सिंगल लिंक और ड्यूअल लिंक। तो जो सिंगल लिंक है उसमें जो फिजिकल पिन काउंट्स मिलेंगे वो होंगे 23 टोटल, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो हर एक का जो फ्रेम है वो आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। तो सिंगल लिंक है वो है 23 और ड्यूअल लिंक है वो पूरे के पूरे 29 पिन्स, ठीक है। सारे के सारे पिन अवेलेबल होते हैं DVI I ड्यूअल लिंक में, कोई भी पिन मिस नहीं होती। जो दूसरे वर्जन है उसमें बीच बीच में गैप होते हैं, वहाँ पे फिजिकल पिन्स अवेलेबल नहीं होती और फिजिकल जो वायर होता है वो भी कनेक्टेड नहीं होता, तो वायर भी पतला होता है। सबसे बड़ी वार्निंग मैं आपको आज यहाँ पे देना चाहूँगा, कंज्यूमर को जो उल्लू बनाया जाता है ये सिंगल लिंक और ड्यूअल लिंक के बीच में, अब जब केबल परचेस करते हो, ठीक है, तो ये जो वायर की मोटाई है उससे ही आप कह सकते हो कि ये ड्यूअल लिंक है या सिंगल लिंक है। अगर वायर इतना पतला है इसके जितना, ठीक है, आप देखिए ये दोनों वायर्स को यहाँ पे मैं रखता हूँ आपको दिखाने के लिए, तो ये जो ब्लैक वायर है अगर इसके जितना पतला है वायर तो वो सिंगल लिंक है, उसमें इतने फिजिकल वायर्स अवेलेबल नहीं है, पिन से कनेक्टेड ही नहीं है, और इतना मोटा है इसके जितना तो वो है ड्यूअल लिंक, ठीक है। तो अगर आप जब ड्यूअल लिंक परचेज करो और उसका वायर आपको पतला लगे थोड़ा सा, तो समझ लीजिए कि वो फेक है, फेक केबल है। बहुत सारे मार्केट में फेक केबल्स भी है, जो यहाँ पे पिन्स होती हैं फिजिकल पिन्स वो तो होती हैं सारी की सारी, पिन्स दिखाने के लिए तो होती है लेकिन वो अंदर कनेक्टेड नहीं होती वायर से, तो ऐसे फेक केबल्स से बिवेयर, ठीक है, आप ध्यान रखिए, सावधान रहिए। तो ये सारे वर्जन से DVI गया। अब इनके एडवांटेज फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जैसे बताया डिजिटल सिग्नल है, क्वालिटी डिक्रीज़ नहीं होगी ओवर द लेंथ जो एनालॉग में होता था, यानी कि VGA में होता था, वीडियो देखा है तो समझ में आ गया होगा, DVI में ऐसा नहीं होता। डिजिटल सिग्नल है यानी कि दूसरे एंड पे जो सिग्नल मिलता है वो कैसा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिग्नल होना चाहिए बस, दैट्स इट। बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है VGA के मुकाबले, तो इसीलिए मैंने कहा था उस वीडियो में कि अगर आपके पास ये VGA ऑप्शन लास्ट हो तभी VGA यूज़ करना चाहिए, सारे जितने डिस्प्ले इंटरफेसेस है उसमें से। अगर आपके पास DGA और VGA और DVI है उसमें से आपको डेफिनेटली DVI ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि डिजिटल इंटरफेस है, कलर क्वालिटी जो मिलेगी आपको, इमेज क्वालिटी मिलेगी जो स्क्रीन पे बहुत अच्छी होगी, एनालॉग की तरह वो कलर रिड्यूस हो जाएगा ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल सेम क्वालिटी मिलेगी जैसा कंप्यूटर और मदरबोर्ड ग्राफिक्स कार्ड उसे जनरेट करके देंगे, ठीक है, सिग्नल को वैसा ही सिग्नल मिलेगा आपको, वैसी ही क्वालिटी मिलेगी, उसे यूज़ करना चाहिए। अब इसकी भी थोड़ी सी जैसे एडवांटेज होते हैं तो उसके साथ थोड़े से डिसएडवांटेज तो होते ही हैं दोनों में। फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टर थोड़ा बल्की है दोनों में, VGA में भी था, जब VGA से DVI में आए तो बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो गई, ठीक है, डिजिटल सिग्नल हो गया, जो रिजोल्यूशन था वो भी बढ़ गया, फ्रेम रेट्स भी बढ़ गए और सिग्नल की क्वालिटी अच्छी हो गई, और डिफरेंट वर्जन के हिसाब से सिंगल लिंक ड्यूअल लिंक बहुत अच्छे वर्जन हैं। लेकिन इसके अब ड्रॉबैक्स भी हैं कि ये कनेक्टर बहुत बल्की है, ठीक है, आज के जो दूसरे जो कनेक्टर्स हैं यानी कि HDMI और डिस्प्ले पोर्ट की बात करें और मिनी डिस्प्ले पोर्ट की बात करें, थंडरबोल्ट की बात करें, कितने छोटे छोटे कनेक्टर्स हैं आज, जैसे इस दुनिया अभी चल रहा है टेक्नोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सारी चीज़ें छोटी से छोटी होती जा रही है, उस हिसाब से ये कनेक्टर बहुत बल्की है। 1999 में रिलीज़ हुआ था तो उस वक्त तो चलो इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन आज के हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं वो बहुत वो हो जाती हैं।
तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, एक ड्रॉबैक है, लिमिटेशन तो नहीं कहूँगा, एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, बल्कि कनेक्टर हो जाता है और जो वायर है वो भी काफ़ी मोटा हो जाता है। और उसका जो सबसे बड़ा टेक्निकल साइड पे अगर आप देखो, ये तो फिज़िकल डिसएडवांटेज थे, लेकिन टेक्निकल साइड पे देखो तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है नंबर ऑफ रिजोल्यूशन, जो मैक्सिमम रिजोल्यूशन सपोर्टेड है। इवन DVI-i का भी जो ड्यूल लिंक है उसमें भी जो मैक्सिमम रिजोल्यूशन सपोर्टेड है वो है 2560x1600 16x10 एस्पेक्ट रेशियो में, वो भी 60 हर्ट्ज पे। तो अगर आपको इससे ज़्यादा फ्रेम रेट चाहिए या इससे ज़्यादा रिजोल्यूशन चाहिए या इससे ज़्यादा बिट डेप्थ चाहिए, तो ये जो स्टैंडर्ड है वो आपके लिए कम पड़ सकता है, यानी कि ये आपके केस में हेल्पफुल नहीं हो सकता। तो इन सब का जो सॉल्यूशन है HDMI, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो DVI के बारे में मैंने सब आपको समझाया, आपको समझाने की ज़रूरत मुझे लगी कि आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इसमें क्योंकि अलग अलग वर्जन है, VGI की तरह सिर्फ एक वर्जन नहीं है, बहुत अलग अलग वर्जन है, दिखने में तो सब सेम लगते हैं, लेकिन मुझे समझाना था आपको, तभी मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है। तो DVI-i, DVI-a, DVI-d सब कुछ आपको आई होप समझ में आ गया होगा, इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया समझ में आ गया होगा। डेटा रेट, बिट रेट, उसके रिजोल्यूशन, उसका एस्पेक्ट रेशियो, फ्रेम रेट, सब कुछ बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल कन्फ्यूजन मत रखिए। अगर हो सके आपको कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, लेकिन समझ लीजिए सब कुछ सही से, ठीक है। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कुछ कन्फ्यूजन है, क्वेरी है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शन है आपके पास, कमेंट कीजिए, मुझे पूछिए, मुझे बताइए, मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड एक महत्वपूर्ण सूचना, डू सब्सक्राइब। अगर आपको फ्यूचर में ऐसे वीडियोस देखने हैं, मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ, आप ही के लिए बनाता हूँ, तो आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको सब कुछ समझ में आ गया है, तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं फ्यूचर में, HDMI, डिस्प्ले पोर्ट, थंडरबोल्ट, ये सारे के सारे इंटरफेसेस हैं जो मैं समझाने वाला हूँ, डिस्प्ले इंटरफेसेस पूरी सीरीज़ है, और उसके बाद भी ऐसे वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, सब्सक्राइब कीजिए। I will definitely see you guys later in my next video. So till then, take care guys. Learn more and spread the knowledge. Thank you so much.